कठुआ गैंगरेप अते मर्डर केस विच कोर्ट दा अहम फैसला आया। इस केस दी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दे दिशा निर्देशां मुताबिक पठानकोट जिला अदालत विच चल रही है। कोर्ट दे हुक्मां तों बाद कठुआ गैंगरेप केस दे सारे दोषियां नूं कठुआ जेल तों गुरदासपुर जेल विच शिफ्ट कर दिता गया अते हुण दोषियां नूं गुरदासपुर जेल तों पठानकोट कोर्ट विच रोजाना सुनवाई लई लिआउण दी जिम्मेवारी SSP पठानकोट दी होवेगी। की कारवाई एक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था इस अदालत को भी और डिप्टी जो सुप्रिंटेंडेंट है हमारे जेल कठुआ के, ये सबको हदायत हुई थी कि इसको फौरी तौर पर इन सब मुलजिमों को शिफ्ट किया जाए गुरदासपुर जेल में। तो आज उसकी कंप्लाइंस होनी थी, तो जज साहब ने बड़ा डिटेल ऑर्डर पास किया है कीपिंग इन व्यू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। इन्होंने कहा एक तो SSP पठानकोट को कोर्ट के अंदर बुलाया गया, उसको हदायत हुई कि इनको सिक्योरिटी में लेके जाओ, सिक्योरिटी से लाना है और इन फ्यूचर भी ये सारी जिम्मेदारी जो है SSP पठानकोट की लगाई हुई है, कैसे ले जाना है ये सिक्योरिटी, जितना भी सेंसिटिव मामला है ये आप देखिए। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को बुलाया है वहाँ पे कोर्ट के अंदर, जज साहब ने उनकी भी हदायत दी है कि इनकी देख रेख जो है सिक्योरिटी का मामला है आप उनको देखिए। जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था क्योंकि उन्होंने कहा इट इज़ एन एक्सेप्शनल केस, तो उसी तरह से जज साहब ने आज यहाँ पर पठानकोट सेशन जज साहब ने देख लिया और हमें बुला के उन्होंने कहा जी आप ये देख लीजिए अगर इसमें कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट की रह गई है तो हम ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये तो जो डिटेल ऑर्डर पास हो गया आज इसी वक्त अभी से इनको यहाँ से ही सीधा गुरदासपुर लेकर गए हैं विद सिक्योरिटी सेटअप से एंड वी आर सेटिस्फाइड।